कौन सी खड़ी है, कौन सी खड़ी है भैया? ये टीवीएस कंपनी की अपाचे आरटीआर 164 भी खड़ी है। आप सोच रहे हो भैया इसको क्या हुआ, पुरानी वाली गाड़ी का वीडियो का बनाया जा रहा है ये? भैया ये पुरानी नहीं है, ये नई वाली है, डुअल चैनल एवीएस में आपकी। कैसे, ये देख लो आप, ये स्टीकर लगा हुआ है और ये देखो एबीएस की आपको दिख रही है रिंग, और आगे दिखा दी और पीछे एबीएस की रिंग देख लो, ये दिखेगी आपको, दिख गई यहां पर, ये दिख रही है आपको, यानी कि ये डुअल चैनल एबीएस में है। 2024 की लेटेस्ट अपाचे 164V, यानी आरटीआर अपाचे कहेंगे इसको, रेसिंग में तबातोड़ बाइक है भाई साहब। जो लोग रेसिंग करने के शौकीन है ना, उनके लिए गाड़ी बनी हुई है। तो क्या क्या फंक्शन एड ऑन होकर आए हैं, कितने कलर में है, क्या 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 प्राइस कंपनी ने इसका मतलब निर्धारित किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो बने रहो वीडियो में। कहाँ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, बीएस मोटर्स, ये बूढ़े बाबा की पुलिया के पास पड़ता है, एटा बाईपास रोड पर, ये शोरूम टीवीएस का। यहाँ के इसके ऑन रोड प्राइस कंप्लीटली क्या हो जाते हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में जान लो। खासियत होती है मिस्टर ऑटो की कि शुरू में ही अपने ये प्राइस खोल देते हैं। तो ये टोटली आपको ऑन रोड पड़ने वाली है दोस्तों 1,64,000 रुपए की। बढ़िया लुक हो जाता है दोस्तों, अलॉय व्हील देख लो रेड कलर में, कॉम्बिनेशन कंपनी ने कितना अच्छा रखा है, मैट ब्लैक कलर के साथ ग्लॉसी रेड कलर और रेड कलर के अलॉय व्हील, मस्त लग रही है यार, देखने में मस्त लग रही है तो चलने में तो मस्त होगी। तो 1,64,000 रुपए में कंपनी क्या क्या दे देती है इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं बताऊंगा इसका जो सिंगल चैनल एवीएस है वो कितने रुपए का आता है, डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों में, वो भी आगे बात करेंगे। तो भाई वीडियो बहुत खास होगी, बने रहो वीडियो में, लाइक करके जाओ, क्योंकि यार आप लाइक नहीं करते हो, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा और मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो और एनर्जी के साथ बनाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल और हैंडल बार से। तो दोस्तों दिख रहा होगा पूरी तरह से डिजिटली मीटर कंसोल देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके अंदर बाइक के साथ देखने को मिलती है, यानी कि देखो ये दिख रहा है आपको, कहाँ गया, स्मार्ट एक्स करके एक फीचर आता है, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां लिखा हुआ है, ये देखिए स्मार्ट एक्स करके, स्मार्ट एक्स कनेक्ट करके फीचर आता है, तो ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी, वही सारे मोड्स वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, कॉल SMS वगैरह सारी चीज़ें जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद होता है वो सब कुछ देखने को मिलेंगी। ये आ जाता है पूरी तरह से डिजिटली मीटर कंसोल और RPM मीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज देखने को मिलता है, टाइमिंग देखने को मिलती है, लैपिंग देखने को मिलती है, गेयर देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ, देखो ब्लूटूथ वाला जो ब्लिंक है वो भी, ऑडोमीटर ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। सपोज करो अपनी आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, ना रिजर्व में आ गई, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में तेल भरना है तो ट्रिप एफ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल कन्वर्ट हो जाएगी कि आपको तेल भरवाना है। 3 मोड्स गाड़ी में देखने को मिलते हैं, बटन मोड्स का यह है, अर्बन मोड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट मोड देखने को मिलेगा और रेन मोड देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वार्निंग लाइट्स में आपका माल फंक्शन का ABS का वार्निंग लाइट देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम का, इंडिकेटर का देखने को मिलेगा, न्यूट्रल का देखने को मिलेगा और ये फ्यूल का, यानी कि जब फ्यूल लो हो जाएगा तो उसका भी देखने को मिलेगा, कंट्रोल करने के बटन ये दोनों दिए गए हैं गाड़ी में। अब बार बार फ्यूल की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों ये 12 लीटर तेल में पूरी तरह से इसका टैंक फुल हो जाएगा। E20 OBD2 सेंसर के साथ ही गाड़ी BS6 देखने को मिलती है, जबरदस्त लग रही है। कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बता दो भाई किस किस की पसंदीदा बाइक हो जाती है। इंजन देख लो, बिना किक का इंजन देखने को मिलता है, यानी कि ये सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट होगी, किक इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। 160cc का, यानी कि 160cc का पावरफुल लिक्विड कूल इसके अंदर इंजन मिलता है, 17.31 BHP की पावर देखने को मिल जाती है और टॉर्क 14.73 NM का टॉर्क इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। ये देख लो, ये इसका ब्रेकिंग लीवर, फोल्डेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है और जबरदस्त इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, काफी चौड़ा, पास से देखो है ना, फील करके जाओ, पास में अगर टीवीएस का शोरूम है तो पास से छू कर देख कर जाओ इस बाइक को, जबरदस्त बाइक कंपनी ने अब बना दिया। पीछे आपको टायर हगर्स यूज हुए हैं, ये देखो 2 टायर हगर यूज हुए हैं, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज हुआ है, ये देख लो, जो कि एक अच्छी फिनिशिंग के साथ है, और पीछे बड़ा सा चौड़ा सा वही मोनोशॉक सस्पेंशन यूज हुआ है जो कि रेड कलर से, मतलब रेड कलर का कॉम्बिनेशन तो कंपनी ने छोड़ा ही नहीं है। पीछे चौड़ा सा टायर यूज हुआ है, ये देख लो C8 का टायर है और जो टायर का साइज है 135/70 R17, यानी कि चौड़ा है, R17 17 इंच के व्हील साइज के साथ यूज हुआ है। और ये दिख रहा है आपको रेड कलर के पास के रिम के ऊपर, अलॉय के ऊपर TVS रेसिंग लिखा हुआ है, जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है, पास से देखो लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसा लग रहा है। देखो चौड़ा टायर यूज हुआ है,
पीछे का जो डिस्क पैडल है, आपका पैडल डिस्क यूज हुआ है, जो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो आपका 240 mm का देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS है। आगे का डिस्क पैडल आपका कितने का, 270 mm का आगे का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, यानी कि बढ़िया हो जाता है। ये देखो पीछे का रियर प्रोफाइल, आगे का भी दिखाऊंगा। रियर में आपको पूरी तरह से LED बैकलाइट देखने को मिल जाती है, ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है, सीट बहुत जबरदस्त है। बस थोड़ा सा एक समय और दो, मैं सीट के बारे में बताऊंगा। और हैलोजन में इसके इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ये देखो, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। सीट देखो कंफर्टेबल, ये राइडर थोड़ा नीचे की तरफ बैठेगा। डुअल टोन में सीट देखने को मिलती है, रेड और ब्लैक कलर में, कंफर्टेबल। मेरा अंगूठा देखो, ध्यान से देखना, ये अंदर घुस गया। कुशनिंग बहुत ही जबरदस्त है, अभी मैं बैठकर भी दिखाऊंगा। ये देख लो फ्यूल टैंक के ऊपर क्या क्या नक्काशी की गई है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये स्टिकरिंग की ब्लैक कलर की लगाई गई है, 160 का लोगो आ जाता है और घोड़ा TVS की पहचान। ये रेसिंग वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है, जो आपने देखा होगा जहाँ पर लैप रेस वगैरह होती है, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है। ये देख लो, ये छोटे से फिन्स हैं। इंजन की बनावट देख लो, ये पावरफुल इंजन मिल जाता है TVS का। यहाँ मिल जाती है स्टिकरिंग RTFI, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। यहाँ आ जाता है हाइपर एज का स्टिकरिंग। गियर का पैटर्न देख लो, सिंगल लीवर यूज हुआ है, 5 गियर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, 1 down 4 up। साइड स्टैंड में पावर, इंजन पावर कट वाला सेंसर, यानी कि साइड स्टैंड लगाया है। जैसे गाड़ी में गियर मारोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सेफ्टी के पर्पज से बहुत ही जबरदस्त फीचर हो जाता है। अगर इस गाड़ी के ऊपर कोई फीमेल बैठेगी तो साड़ी गार्ड का यूज़ किया गया है विद फुटरेस्ट, ताकि कपड़ा वगैरह ना जाए। अगर आपकी माता या बहन है, घर की कोई भी सदस्य फीमेल सदस्य बैठती है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन ये फंक्शन हो जाता है। जो चेन ड्राइव है पूरी तरह से ओपन में यूज हुई है, और चेन ड्राइव के ऊपर ये पूरा कनेक्टेड किया है फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा है ना आपको टायर हैगर के साथ ही चेन ड्राइव का जो कवर है, हाफ कवर, वो पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये देख लो चेन ड्राइव, और एक बार मेरे ना कहने से अलॉयल देखो, रेड कलर के बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मिडिल स्टैंड भी यूज हुआ है, यह आ जाता है लैग गार्ड, क्रैश गार्ड, क्या यूज़ में भागे, भगवान ना करे किसी का यूज़ हो इसका, जैसे गिर गिर जाना गाड़ी में ना, स्केच वगैरह नहीं पड़ते हैं। मेटल क्वालिटी, ये टोटल फाइबर है, फाइबर अंदर मेटल का टैंक देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अंदर तो फाइबर हो ही नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल भरा जाएगा। ये फाइबर, ये देखो, ये मेटल में आ जाता है। और बढ़ जाते हैं अब आगे की तरफ, ये देखो, ये आ जाती है हेडलाइट, ऑन करके दिखाऊं, ये DRL आ जाते हैं, इतनी तेज चमक रहे हैं ना, मेरी आंखों में लग रहे हैं, यानी कि खूब तेज रोशनी वाले DRL देखने को मिल जाते हैं। और मॉन्स्टर लुक में, ये देख लो, रोबोटिक लुक में इसका आगे का फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है। यह आ जाता है इसका फेंडर, जो कि TVS रेसिंग के साथ आ रहा है, स्टिकरिंग TVS रेसिंग की आ जाती है। और बढ़िया से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ये देख लो टायर सेटअप आगे वाला, और कटिंग वाला मदगार्ड देखने को मिलता है, इधर से कटिंग उधर से कटिंग, ताकि अट्रैक्शन बना रहे। ये देखो ना, अट्रैक्शन बना रहे, लेने वाला जो आपका राइडर है ना, जब रोड पे ये गाड़ी लेके निकले ना, तो हर चीज़ में एजेस का कमाल किया गया है। ये देखो कंपनी ने जो एजेस निकाले, ये काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी को बना रहे हैं। आगे का C8 का टायर यूज हुआ है, टायर का साइज 90x90 17 inch के व्हील साइज के साथ देखने को मिलता है। ये देख लो, और ये इसके जो लीवर्स हैं, गेयर और ब्रेक लीवर्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि एडजस्टेबल है, अपने पाम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन फीचर इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब क्या चीज़ छूटी है भाई साहब, इसके अंदर जो स्विचेस हैं, कौन कौन से स्विचेस देखने को मिलते हैं, देखो इंजन किल स्विच देखने को मिलता है मोड्स का, और लाइट को बंद खोलने का और बंद करने का स्विच भी देखने को मिलता है। देखो सामने लाइट जल गई और बंद हो गई, ये है ना, ये बहुत बढ़िया फीचर। ये सेल्फ का देखने को मिल जाता है, आपका वही ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लूटूथ को कंट्रोल करने का फीचर देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम, पीछे पासिंग का स्विच देखने को मिलता है, इंडिकेटर और हॉर्न, दो हॉर्न यूज हुए हैं भाई साहब। मेरे कहने से एक बार आओ और हॉर्न बजाकर जरूर जाओ, बहुत ही जबरदस्त बज रहे हॉर्न। ये पास से दिखाऊं, टैंक जब आप फ्यूल भरवाओगे तो कुछ इस टाइप से पैटर्न हो जाता है इस गाड़ी का। अब मैं बैठकर दिखाता हूं कि बैठने में कैसी कंफर्टेबिलिटी फील कराती है गाड़ी, बैठकर दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों मेरी जो हाइट है 5 feet 8 inch की है, मेरे ऊपर किस तरह से लगती है गाड़ी, मैं बैठकर दिखाता हूँ। गाड़ी का जो वेट है 146 किलो की ये गाड़ी पूरी, मतलब पूरी जो पैकेट है वो 146 किलो का है, 146 kg का। और इसका जो आपका सीट हाइट है वो 800 mm का है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है। कंफर्टेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है, शॉकरिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। देखिए
आप देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरी हाइट के ऊपर ये गाड़ी कैसी लग रही है। बात करेंगे इसकी एग्जॉस्ट नोट की, हेडलाइट की और माइलेज की। पहले एग्जॉस्ट नोट सुन लो, दिल थाम कर बैठो, बहुत जबरदस्त एग्जॉस्ट नोट है इसकी। ये सुनो, माइक गिर गया। हेडलाइट लैम्प का थ्रो, ये देखो, ये इसका लो वी में और ये हाई वी में बहुत जबरदस्त थ्रो हो जाता है इसका। ये देखिए, पास से देखिए, काफी जबरदस्त थ्रो हो जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके माइलेज की। तो दोस्तों अगर आप बेहतर कंडीशन में, अब यार रेसिंग गाड़ी है, बेहतर कंडीशन क्या होगी, लेकिन 45 किलोमीटर प्रति लीटर का ये माइलेज आपको आराम से निकाल देगी, 45 किलोमीटर प्रति लीटर तक का। अब बात करेंगे दोस्तों ये गाड़ी कितने कलर्स ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 5 कलर ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल है। एक आती है इसमें रेसिंग रेड, एक आता है नाइट ब्लैक, एक आता है मैट ब्लैक, एक आता है मेटालिक ब्लैक और एक आता है लाइटिंग ब्लू कलर ऑप्शन। अब बात करेंगे दोस्तों इसका जो सिंगल चैनल एबीएस है, मतलब सारी चीजें वही मिलेंगी, बस वो सिंगल चैनल एबीएस होगी, वो आपको 1,62,000 रुपए की पड़ जाएगी और डुअल चैनल एबीएस आपको 1,64,000 रुपए की पड़ेगी। यानी कि दोनों ही गाड़ियों में आपको 2,000 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी क्वेरी आपकी रह गई है, अगर कोई चीज पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक बार की और दिखा दूं दोस्तों, इसमें वेव की देखने को मिलती है, जिसको इधर की तरफ टीवीएस लिखा हुआ है और इधर टीवीएस का लोगो, ये देख लो। और इग्निशन कुछ इस टाइप से है, ऑन ऑफ, और मतलब इसी से हैंडल लॉक होगा, ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप से लगता है, ये देख लो। और छोटे से बार हैंड भी देखने को मिलते हैं। मिरर्स की पोजिशनिंग कुछ इस टाइप से है, थोड़ा डिजाइनिंग वाले मिरर देखने को मिल जाते हैं, ये देख लो। बस छोटी सी जानकारी इस बाइक के बारे में, तो कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चलो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।